हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है ये गणेश चतुर्थी मेकअप लुक। आई रियली होप कि आपको पसंद आएगा। गाइस, प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। और मैंने इस वीडियो में एक बहुत अच्छी ट्रिक बताई है, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड तक देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कौन सी मैजिक ट्रिक मैं आपको बताने जा रही हूँ। बहुत ही ईजी और सिंपल सी ट्रिक है। तो चलिए देख लेते हैं कि मैंने ये मेकअप लुक कैसे किया है। यहाँ पर मैं सबसे पहले लगा रही हूँ सेटिंग स्प्रे, ताकि मेरा जो मेकअप है अच्छे से फिक्स हो जाए। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मैक का फेस प्राइमर। ये भी काफ़ी अच्छा प्राइमर है और इससे आपका एक स्मूथ बेस तैयार हो जाता है फाउंडेशन के लिए, मेकअप के लिए। तो प्राइमर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए ज़रूर अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस फाउंडेशन। और ये भी काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है गाइज। मैंने इसका रिव्यू अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है, तो आप एक बार आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो पर जा सकते हैं। नेक्स्ट मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ऐसे बहुत ही इजी सा एक मेकअप लुक है, इसे कोई भी ट्राई कर सकता है। बहुत इजी सा मैंने तरीका बताया आपको। नेक्स्ट मैं मेबेलिन सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से अपने फाउंडेशन को अच्छे से सेट कर लूँगी। अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर मैक का कंसीलर। कि हमें आई मेकअप के लिए, एक स्मूथ बेस के लिए हमें ज़रूर चाहिए होता है कंसीलर, इसलिए ज़रूर अप्लाई कीजिए। कंसीलर से हमारे आई शेडो का जो कलर है बहुत अच्छा आता है, इजिली ब्लेंड भी हो जाता है आई शेडो। अभी मैं कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से अच्छे से सेट कर लूँगी, ताकि मेरे आई शेडो में कोई भी क्रीज लाइन ना बने। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ हुडा ब्यूटी पैलेट से। ये बेबी पिंक कलर का शेड है, इसे मैं एज अ ट्रांजिशन कलर अपनी क्रीज पर लगा लूँगी। और मैं क्रीज से थोड़ा सा ऊपर भी अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि जिन लोगों को आईज़ पर, मतलब क्रीज लाइन पर अगर नहीं आपको ब्लेंड करना आता है या अच्छे से नहीं लगाना आता, तो आप इस तरीके से ऊपर तक भी इस कलर को लेके जा सकते हैं। बस ध्यान रहे कि आपको लाइट कलर का शेड ही चुनना है। नेक्स्ट मैं ये मार्स आई शेडो पैलेट से ये डार्क पिंक कलर का शेड ले रही हूँ। नेक्स्ट मैं एक स्पूली की हेल्प से अपनी आईब्रोज को सेट कर लूंगी। और अब मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर लूंगी। सभी प्रोडक्ट्स की लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मैक का आईलाइनर है ये, और आप चाहें तो विंग आईलाइनर भी लगा सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपल ड्रॉ कर सकते हैं। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। अब मैं लगा रही हूँ फेसिस कैनेडा का काजल। और अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर हुडा ब्यूटी पैलेट से सिल्वर कलर का शेड है ये, मैं एक ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ। आप सोचेंगे मैं ये क्या कर रही हूँ, तो मेरा आईलाइनर थोड़ा सा ख़राब हो गया था, क्योंकि ख़राब नहीं, मतलब इसके ऊपर आई शेडो जो है वो इसके पार्टिकल्स थोड़े से लग गए थे, तो बस वहाँ से हट गया था। मैं इसे बस क्लीन कर रही हूँ। ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है, आप भी इस ट्रिक को आजमा सकते हैं। काजल की हेल्प से भी आप अपने आईलाइनर पर दोबारा ड्रॉ करके उसे क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मैक का मस्कारा, और आप चाहें तो फॉल्स लैशेज भी वियर कर सकते हैं। और अब मैं अपने फेस को कंटूर कर लूँगी, ताकि मेरा जो फेस है वो थोड़ा स्लिम दिखे। अब मैं लगा लूंगी यहाँ पर ब्लश, और मैंने बहुत ही लाइट सा ब्लश लगाया है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं लगाया है। मैंने इसलिए डार्क नहीं लगाया ताकि मेरा जो मेकअप है थोड़ा नेचुरल दिखे। अब मैं लगा लूँगी यहाँ पर हाइलाइटर। हाइलाइटर से भी बहुत अच्छा ग्लो आता है आपके फेस पे, ज़रूर लगाइए, क्योंकि हाइलाइटर के बिना मेकअप जो है अधूरा लगता है। अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर लिप लाइनर, और लिप लाइनर की हेल्प से मैं अपने लिप्स को अच्छे से फिल कर लूँगी, ताकि मेरी जो लिपस्टिक का शेड है वो और अच्छा दिखे। मैं यहाँ पर लगा रही हूँ ADS के लिक्विड लिपस्टिक, और गाइस इसका रिव्यू भी मैंने अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है, आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो पे जा सकते हैं। बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है, लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर प्रूफ है, स्मच प्रूफ है, तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए।
गाइस मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा। गाइस आप वीडियो देखकर आगे चले जाते हैं तो प्लीज़ हमारी मेहनत को अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। गाइस हर यूट्यूबर बहुत मेहनत करता है तो प्लीज़ हमारी मेहनत को थोड़ा सराहिए और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आपको मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं ये भी जरूर बताइएगा। एंड में मैंने यहाँ पर लगाया मेकअप फिक्सर और ये है गाइस मैजिकल ट्रिक मेरी जो मैं आपको एंड में बताने वाली थी। ये आप देख सकते हैं मैंने सिंदूर लिया है और पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैं अपनी चांद बिंदी को ड्रॉ कर रही हूँ। जी हाँ, मेरे पास इस वक्त चांद बिंदी नहीं थी तो मैंने इस तरीके से सिंदूर की हेल्प से अपनी चांद बिंदी को ड्रॉ किया है। आई रियली होप कि आपको मेरी ये मैजिकल ट्रिक शायद पसंद आए, और पसंद आई हो तो प्लीज़ गाइज मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो गाइज़ ये है मेरा फाइनल लुक। आई रियली होप कि आपको मेरा ये लुक पसंद आया, और पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और गाइज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपकी कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है गाइज़, और एक जज्बा आता है, एक जुनून आता है कि हाँ मुझे और भी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनानी है। और आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी से न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। और गाइज़ आपके कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।